दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं यूट्यूब पर डेली वीडियो 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी की वैकेंसी और ट्रेनिंग के लिए। तो आज जो वैकेंसी निकल के आई है आपको यहां देख सकते हैं IISER बरहमपुर से निकल के आई है ना, बरहापुर से निकल के आई है। और इसका जो निकल के आया है इसमें 3-4 तरह की पोस्ट निकल के आई है। इसमें आपको देखना यह है कि इसमें कौन सा पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है और कौन सा पोस्ट आपके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ जूम कर दे रहा हूँ और आप देखिएगा यहाँ पे पोस्ट जो निकल के आई है, पोस्ट ए बी एंड सी, 3 तरह के पोस्ट निकल के आई है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी तरह का आया है। और इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइब्रेरियन का पोस्ट आया है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का आया है, ठीक है। फिर इसमें और भी वैकेंसी आई है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी वैकेंसी आई है, आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा असिस्टेंट, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, ठीक है। 3 और एक और पोस्ट है जो नीचे डिटेल में दिया गया है, आपको मैं बताऊंगा नीचे भी, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे प्रोसेस है फॉर्म का भरने का और कैसे चार्ज लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा मैं आगे। आप इसी वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, जो भर्ती होने वाला, डायरेक्ट भर्ती होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट भर्ती। और इसमें जो आपका 75-25 के रेशियो में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर लिखा है 3x5, मतलब 5 अगर वैकेंसी है तो टोटल 3 वैकेंसी जो है वहाँ पर कि जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल के लिए है, बाकी 2 वैकेंसी पर हम लोग फाइट कर सकते हैं, अदर लोग फाइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें आपको क्या क्या जो एज का बात कर रहे हैं, एज जो इसमें कितना है, तो आप देखिए SC ST के लिए 5 साल तक का छूट दिया हुआ है। फिर OBC जिसका NCL सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके लिए 3 ईयर्स का छूट मिला हुआ है, PW के लिए 10 साल के लिए बना हुआ है, और PW प्लस OBC NCL में जो आते हैं उनके लिए 13 साल का छूट बना हुआ है, और PWD SC ST के लिए 15 साल का छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे छूट दिया हुआ है, ठीक है। वो अपने स्टेट और गवर्नमेंट के हिसाब से अपना जहाँ बना पाया सर्टिफिकेट उस हिसाब से आपका छूट इसमें मिलने वाला है। फिर आगे आप इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको लगने वाला है। पे लेवल आपका जो एज लिमिट है, जो अगर जो भी पोस्ट हैविंग पे लेवल, अगर पे लेवल जो मोर देन 12 है तो उसका 57 ईयर्स तक का छूट दिया हुआ है, पे लेवल अगर 12 है तो उसका 55 ईयर्स। इस तरह से आप यहाँ पर लेवल अपना चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना डेट यहाँ पर जो एज लिमिट है वहाँ पर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या वैकेंसी आया है। इसमें रिजर्वेशन के लिए भी दिया हुआ है, PWD OBC NCL के लिए जो छूट मिला हुआ है वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि OBC और जनरल कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। 500 रुपये आपको देना पड़ेगा OBC और जनरल के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 500 ओनली फॉर जनरल एंड OBC के लिए। लेकिन यहाँ पे यहाँ ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC ST एंड PWD प्लस वोमेन के लिए यहाँ पे कोई भी लिखा हुआ एक्सटेम्प्ट फॉर पेमेंट ऑफ फी, मतलब कोई भी चार्ज उन लोग को नहीं देना है, ठीक है। फिर आइए हो गया आपको यहाँ पे बॉयज़ के लिए लगा हुआ है और SC OBC जनरल के लिए 500 रुपये लगेगा, गर्ल्स के लिए सारा फ्री है। तो गर्ल्स वाले लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि इसे मोड ऑफ पेमेंट जो लिखा हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, इसमें अगर आप एक्सपीरियंस है तो इसमें डालना है। फिर आते हैं नीचे आके हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर आ जाइए आप नीचे में, कंप्यूटर स्किल का भी नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपके इसमें कंप्यूटर नॉलेज है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है। कंप्यूटर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंप्यूटर इसमें सीख लेना है। फिर आते हैं नीचे में कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के नीचे आकर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि रजिस्टर्ड है यहाँ पर है लाइब्रेरियन का, तो लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आया हुआ है ना, तो उसका देखिए लेवल 14 का है, लेवल 14 का है, तो आपका 3 साल का इसमें 5 साल का छूट मिलने वाला है। इसमें हो रहा है कि मास्टर्स डिग्री आपका किए होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री किए होना चाहिए प्लस 60% मार्क्स के साथ में, 60% मार्क्स है तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि आपने MPhil किया होना चाहिए, PhD डिग्री आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी की साइंस, लाइब्रेरी फील्ड में PhD होना चाहिए और कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 57 साल है और इसमें कुछ आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके इसमें पे लेवल 14 ऊपर लिखा हुआ था, पे लेवल 14 के लिए कुछ 3 साल के लिए छूट आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं इसमें लिखा हुआ जो इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, देना आप अप्लाई करिएगा। फिर आते हैं नीचे में हम लोग डिप्टी लाइब्रेरियन का, डिप्टी लाइब्रेरियन के यहाँ देखिएगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्टी लाइब्रेरियन का जो है मास्टर्स डिग्री खोज रहा है इसमें भी, है ना, इसमें 10 ईयर एक्सपीरियंस खोज रहा है, इसमें भी MPhil PhD किए होने चाहिए और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 15 ईयर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आइए नीचे में हम लोग इसमें देखते हैं
और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें मास्टर डिग्री इसमें भी खोज रहा है विद 60% मार्क्स के साथ में वो पास होना चाहिए। फिर कह रहा है कि आपका 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस खोज रहा है। फिर पीजी डिप्लोमा मतलब PGDCA एक साल का कोर्स होता है, PGDCA ये आपका किए होना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसी फील्ड में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और और 40 साल का एज आपको होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपका होगा तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कह रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार का है और आगे नीचे आते हैं नीचे हम लोग तो नीचे में आपको निकला हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, फिर सिक्योरिटी ऑफिसर है, फिर ट्रांसलेटर यहाँ पर आइए, सुपरिटेंडेंट है, फिर फिजिकल है यहाँ पे आइए, और नीचे में इसमें एक और वैकेंसी है इसमें, है ना, जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का है ना, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट मतलब ये भी बिलिस से ही किया हुआ है, मतलब आपको बैचलर होना चाहिए, मतलब आपको बिलिस आपके पास होना चाहिए, बिलिस आपके पास है तो फॉर्म एलिजिबल हो सकते हैं। और क्या है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसमें क्या 3 साल का उसमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बिलिस लेवल पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एकेडमिक में कह रहा है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। फिर इसमें भी कह रहा है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नंबर ऑफ जो एज है 35 ईयर होने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपको नीचे में एक और पोस्ट आपको दिया हुआ है, नीचे में थोड़ा देख लेते हैं, लैब टेक्नीशियंस है और लाइब्रेरी असिस्टेंट, यहाँ देखिए नीचे में 34 नंबर में है लाइब्रेरी असिस्टेंट मल्टी स्किल का, इसमें लेवल 3 का है, और इसमें बैचलर्स डिग्री सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए यहाँ पर क्या बिलिस चाहिए, बिलिस होना चाहिए। फिर प्लस में आपको कि इस 3 चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड का, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये कह रहा है किसी भी फील्ड आप साइंस से ग्रेजुएट किए होने चाहिए और टाइपिंग आपको आना चाहिए, नॉलेज ऑफ कर नॉलेज होना चाहिए, कोई स्पीड आपको नहीं इसमें मांग रहा लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का। फिर कह रहा है एक्सपीरियंस इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, आपका इस फील्ड में आपको कहीं ना कहीं कुछ एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 1 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो गया क्या, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आके देखते हैं कि अब कोई भी इसमें नहीं है तो, और हाँ तो आप इस दोस्त को फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर देना है, क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा दिन तक नहीं दिया हुआ है, टाइम का इसमें एक्सपीरियंस इसमें कब तक टाइम बता देता हूँ मैं, इसमें कब तक टाइम दिया हुआ है, इसका अभी लास्ट डेट अप्लाई नहीं हुआ है, जैसे लास्ट डेट इसका आता है तो मैं आपको उस अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तब तक जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई करने का मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।